सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ऑनलाइन चर्च आज जितने शाम की प्रार्थना में जुड़ रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, प्रभु आज उनके जीवन में बड़े काम करेंगे। आप विश्वास करें, ऑनलाइन चर्च आप विश्वास के साथ आज की मीटिंग अटेंड करें, क्योंकि जब आप विश्वास करोगे, आज की मीटिंग अटेंड करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेंगे यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, इसहाक शाम के समय जाता था लहरोई नाम कुएं के पास ध्यान लगाने के लिए, परमेश्वर के पास जाता था। जितने लोग आज शाम के समय परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को ध्यान लगाने के लिए ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ऑनलाइन चर्च आप खुश हैं, आनंदित हैं, क्योंकि आप जब आनंदित रहोगे तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तुम सदा आनंदित रहो। परमेश्वर कहता है, फिर मैं कहता हूं कि तुम सदा आनंदित रहो। प्रभु में हमें आनंद रहना, मगन रहना। हालेलुया। आपको विश्वास करना है और विश्वास में बढ़ना है, क्योंकि आप विश्वास करोगे, विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। परमेश्वर के पास एक अंधा भिखारी आया, उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके ऊपर हाथ रखा और वह चंगा हो गया। इसलिए आप विश्वास करें, जब यीशु काम करेगा तो आपके जीवन से बड़े बड़े बीमारी के श्राप, कर्जे के श्राप, बंधन जो है परमेश्वर सबको तोड़ देगा यीशु के नाम से। आइए ऑनलाइन चर्च अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर के हुजूरी में जाएंगे, परमेश्वर के आगे अपने घुटने को निर्बल करेंगे, परमेश्वर के सामने हम झुकेंगे और परमेश्वर से अपने दिल की बातें कहेंगे। आज परमेश्वर जितने अपने दिल की बातें परमेश्वर के सामने खोल कर कहोगे, आज प्रभु सुनेगा और प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। अपने हाथों को उठाएं, हम प्रार्थना में चले, परमेश्वर आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा, दयालु और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। खुदावन यीशु मसीह मेरे परमेश्वर, आज के दिन मेरे खुदावंदा मेरे परमेश्वर, ऑनलाइन मीटिंग में मेरे पिता हमें इकट्ठा किया मेरे खुदावंदा मेरे परमेश्वर, तेरे आज जितनी बेटी बेटियां मेरे परमेश्वर ऑनलाइन मीटिंग में जुड़कर मेरे प्रभु तेरे नाम की महिमा कर रहे मेरे खुदावंदा, तेरे नाम का सजदा कर रहे मेरे खुदावंदा मेरे परमेश्वर, उनके लाइफ से हर एक प्रॉब्लम जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर तेरे नाम की बड़ी महिमा और धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा मैं तुम्हें अपनी वह शांति दिए जाता हूँ जिस प्रकार संसार देता है वैसे नहीं, प्रभु तेरी वह शांति मेरे परमेश्वर हर एक जन के जीवन में मेरे परमेश्वर, जो ऑनलाइन मीटिंग जुड़कर परमेश्वर तेरी महिमा कर रहे प्रभु, वह तेरी शांति रिलीज हो यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक हर एक जन पे उतरे और ये बड़े ब्लेसिंग को देखे यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा तेरा आत्मा मेरे परमेश्वर इनके जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह हमारी छोटी सी विनती और प्रार्थना सुनी धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना उद्धार यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। ऑनलाइन चर्च आप विश्वास करते हैं परमेश्वर है, आपके पास है परमेश्वर, है परमेश्वर हर जगह है। आप विश्वास करें, आप जहां बैठे हैं आप वहां विश्वास करें, बैठे बैठे देखें आज प्रभु आपके लाइफ में बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आइए हम परमेश्वर के कलाम को निकालेंगे और पढ़ेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। आइए हम भजन संहिता की पुस्तक निकालेंगे, 100 परमेश्वर के वचन में लिखा है, 100 आयत परमेश्वर के वचन में लिखा है, 100 आयत का पहला वचन परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। हालेलुया। क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगो यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, यहोवा का परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर का आराधना करो और आनंद के साथ उस परमेश्वर के सम्मुख आओ। हालेलुया। इसीलिए आप जब आनंदित रहोगे, परमेश्वर ने
कहा है तुम सदा आनंदित रहो। जब आप आनंदित रहोगे, आनंद के साथ आराधना करोगे, तब शैतान आपके लाइफ से भागेगा यीशु के नाम से। आप विश्वास करें और विश्वास के साथ वचन को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा काम करते हैं। इसीलिए आप विश्वास करें। और लिखा है निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा हैं और उसकी चराई के भेड़े हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर का बनाया हुआ स्वरूप है। परमेश्वर ने हमें अपने रूप में बनाया, हमें इस धरती पे बनाया ताकि हम उसकी महिमा करें। परमेश्वर मानव जाति को इसलिए बनाया कि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी भक्ति करें, हम उसकी आराधना करें। हालेलुया, जब परमेश्वर इसीलिए बनाया, जब शैतान सारी सृष्टि को खत्म किया तब शैतान ने कहा अब तेरी आराधना कौन करेगा, तब परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम के द्वारा सारी सृष्टि पे आज मानो है। हालेलुया, इसीलिए आप विश्वास करें। जब आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर में बढ़ेंगे, लोग आपको दबाएंगे, दबना नहीं, हटना नहीं है, लोग कहेंगे लेकिन आपको भागना नहीं। आप प्रभु पे विश्वास करें, आप परमेश्वर पे अड़े और खड़े रहे, परमेश्वर के वचन में बने रहे कि प्रभु ने कहा है। परमेश्वर का वचन बोलता है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई यीशु के पास नहीं जा सकता। यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो आप रोज आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी भक्ति करें। जब आप महिमा करोगे, आराधना करोगे, भक्ति करोगे तो महिमा के द्वारा परमेश्वर आपके लाइफ से एक बंधन को तोड़ेगा यीशु के नाम से। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का कलाम बोलता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान एक सिंह के समान गरजने वाला है और सोचता है कब हम मसीहों को पा जाए और फाड़ खा जाए। इसीलिए आप जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, चौकस रहो। परमेश्वर का वचन बोलता है अपने वस्त्र की चौकसी कर। हालेलुया, इसका मतलब क्या बोला, अपने प्रार्थना का, अपने उपवास का, अपने पवित्रता की चौकसी कर, उसमें बढ़, उसमें बढ़ता जा। हालेलुया, इसलिए हमें चौकसी करना है, हमें गलत मार्गों से हटना है, गलत डिसीजन से भागना है। दाऊद, कितने लोग जानते हो, यीशु जब पोतीपर के रानी के पास गया और परमेश्वर के वो आज्ञाकारी था, परमेश्वर का आज्ञाकारी था, और वह वहां से भाग गया। उसने कहा मेरे पास सो, उसने कहा नहीं, जो सृष्टि को बनाने वाला है, जो यीशु मुझे देने वाला है, वह मैं यदि वो चाहता उसके पास सोकर बहुत अमीर हो जाता, धनवान हो जाता, लेकिन नहीं, उसने विश्वास किया परमेश्वर पे, उसने अपना चित परमेश्वर पे लगाया और वह रिच हुआ और परमेश्वर ने उसे मिस्र में राजा बनाया। हालेलुया, इसीलिए आप विश्वास करें, क्योंकि उसने प्रधानमंत्री बनाया उसे। आप जब विश्वास करोगे, प्रतीति करोगे कि यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा है मैं अपने वचन के द्वारा हर एक चीजें पूरी करूंगा, आप विश्वास करें। यीशु ने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया और परमेश्वर के आज्ञा को माना, उसने सोने से इनकार किया, उसने धन नहीं लिया। धन लेना होता तो वह विचार कर सकता था, पाप कर सकता था, बुराई कर सकता था, लेकिन नहीं, उसे पता था कि जो सारी सृष्टि को बनाया हुआ मुझे देख रहा है, वो मेरा न्याय करेगा। हालेलुया, इसीलिए आप विश्वास करो और गलत मार्गों से हटो। जब आप परमेश्वर की महिमा करोगे, आराधना करोगे, भक्ति करोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन से जो गलत गलत मार्ग है, गलत काम करते हैं, आप उसे अलग रहोगे। जब परमेश्वर की भक्ति करोगे, आराधना करोगे, प्रार्थना करोगे, तब परमेश्वर आपको पाक और पवित्र करेगा और अपने मार्गों पे ले चलेगा। हालेलुया, इसलिए आप विश्वास करें। यीशु ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है मेरे पास है मेरी बेटी, है मेरे बेटे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। इसीलिए आप शांति पाना चाहते, बीमारी से, श्राप से, बंधन से, सालों साल के बंधन से आप छूटना चाहते, तो यीशु के पास आओ। ऑनलाइन चैट विश्वास करो कि यीशु मसीह आज भी वही काम करता है, वही मुर्दे जिलाता है, वही लंगड़े चलाता है। यीशु मसीह वही बड़े बड़े चमत्कार करता है। यीशु के नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और कोढ़ी पाक्सा किए जाते हैं। इसलिए आप विश्वास करो। यदि आप बीमारी में हो, किसी भी समस्या में हो, तो आप विश्वास करो। आप हमारे मिनिस्ट्री में आ सकते हैं, पास्टर अमरदीप का मिनिस्ट्री में आ सकते हैं। आप परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवा सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है
परमेश्वर के कलाम में लिखा, बीमारों पे तेल मलो और प्रचीनों से प्रार्थना कराओ और बीमार अपनी बीमारी से छूट जाए। यदि आप बीमारी में हैं तो पास्टर अमरदीप कुमार मिनिस्ट्री में आए और परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाएं और उस हीलिंग को, उस अनॉइंटिंग को अपने जीवन में उतरता देखोगे यीशु के नाम से। इसलिए आप विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो विश्वास करेगा मैं उसके जीवन से उसके जीवन में बड़े बड़े काम करूंगा, उसके जीवन से हर एक प्रॉब्लम को दूर करूंगा। इसलिए ऑनलाइन चर्च आप विश्वास करें और विश्वास में बढ़ें, क्योंकि हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। जब हम अपना विश्वास बड़ा करेंगे, अपना विश्वास, अपना फेथ चौड़ा करेंगे तो परमेश्वर हमारे लाइफ में काम करेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर का कलाम बोलता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 97:10 में लिखा हुआ है, हे यहोवा के प्रेमी बुराई से घृणा करो। हालेलुया। क्या लिखा है? हे यहोवा के प्रेमियों बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राण की रक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बोला है? हे यहोवा के प्रेमियों बुराई से घृणा करो। आज हमें उसे घृणा करना है। यीशु उससे घृणा किया, उसे भागा और वह रिच हुआ, वह रिच पर्सन हुआ, वह अपने देश में, मिस्र में वह प्रधानमंत्री हुआ यीशु के नाम से। इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहा है, हे यहोवा के प्रेमी बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राण की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर, यदि आप शत्रु आपके पीछे लगा हुआ, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तुम्हें दुष्टों के हाथ से बचाऊंगा। आप कहीं भी जा रहे हैं, यदि कोई आपके विरुद्ध कोई काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है मैं आपको बचाऊंगा, आपको वहां से निकालूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। विश्वास, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, एक कंगाल विधवा थी, उसने विश्वास किया परमेश्वर के वचन पे, प्रतीति की, और विश्वास के द्वारा जिस मोहल्ले में थी वह रिच थी। हालेलुया। इसीलिए आप विश्वास करें, जब विश्वास करोगे, विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। ऑनलाइन चर्च, आइए अपने आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। ऑनलाइन चर्च, आप विश्वास करें और विश्वास के साथ हर एक प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करें, परमेश्वर आपके जीवन से हर एक बीमारी को, हर एक श्राप को, हर एक कर्जे को दूर करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, दयालु और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, सच्चे रब, मेरे खुदावंदा, मेरे परमेश्वर, आज जितने लोग मेरे प्रभु तेरे वचनों का मेरे परमेश्वर आदर किया, सम्मान किया मेरे परमेश्वर, तेरे वचन का फॉलो किया मेरे परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन से मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी के शराब मेरे खुदावंदा, कर्जे के शराब मेरे परमेश्वर, गरीबी के शराब मेरे खुदावंदा, आज वचन के द्वारा इनके जीवन से मेरे पिता परमेश्वर टूट जाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर, ये बड़ी गवाही के साथ और बड़ी टेस्टमनी के साथ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह, मेरे पिता परमेश्वर, जितने घोषणा करते हैं मेरे परमेश्वर वचन के द्वारा मेरे प्रभु, मेरे खुदावंदा, आज के वचन के द्वारा मेरे पिता, ऑनलाइन मीटिंग में मेरे परमेश्वर, जितने लोग जुड़कर मेरे प्रभु तेरे नाम की महिमा कर रहे हैं मेरे पिता, उनके जीवन में तेरी शांति जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, दयालु और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक हर एक जन के ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, ये बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं, दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मिलते हैं कल मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग में। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। सबको जय मसीह की।